हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHS जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यह दो रिपोर्ट जारी करता है तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो WHO है जो WHO स्थापना जो है इसकी इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। ठीक है दोस्तों, चूँकि आज की तारीख भी 7 अप्रैल 2020 है तो आज के ही दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ठीक है दोस्तों, ये UNO का अभिन्न अंग है। UNO का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि UNO क्या है। तो आपको आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका यह अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ से ही इसके बारे में जो भी संदेश वगैरह आते हैं तो आपके यहाँ से आते हैं WHO से। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय यदि देखिए तो इसका मुख्यालय यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, यूरोपीय कंट्री स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। याद रखिएगा जिनेवा। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री में आता है जिनेवा। जिनेवा में लगभग 10 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय है। तो आपको ध्यान रखना है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। ठीक है दोस्तों, इसी 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज 7 अप्रैल के दिन ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मैं लिख देता हूँ स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। याद रखिएगा प्रति वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम कुछ कार्य को देख लें तो इसके कार्य होंगे स्वास्थ्य की प्रणाली में सुधार। ठीक है, इसके कार्य यदि हम देखें तो इसके कार्य क्या होंगे कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की प्रणाली में सुधार। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको स्वास्थ्य की प्रणाली में सुधार, गैर संचारी सेवा। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य की प्रणाली सुविधा है ना में सुधार, गैर संचारी सेवा, संचारी सेवा, कॉर्पोरेट सेवा सेवाएं। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी इनकी निगरानी एवं प्रतिक्रिया के अंतर्गत देखिए इनका कार्य होता है, जैसे कि अभी वर्तमान समय में सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोरोना नामक महामारी फैली हुई है जिसके जो WHO के नियंत्रण में कंट्रोल में ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो वे निगरानी करती हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया करती हैं, बहुत सारे उपक्रम देती हैं, इलाज कराने के लिए वो अपने अपने गाइडेंस देती है ना, गाइड करती हैं। तो इनके विभिन्न कार्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो रिपोर्ट जारी करते हैं। कौन सी दो रिपोर्ट जारी करता है? WHO जो है ये दो रिपोर्ट जारी करता है। एक रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। कौन सी? विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये WHO जो है ये विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है, याद रखिए आप। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है,
हेल्थ रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए, मानव संसाधन के लिए भी यह एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा कि WHO की सहायता से सन 1980 में, याद रखिएगा 1980 में, आपको बता दूं स्मॉल पॉक्स नाम की एक महामारी थी, बीमारी जिस पर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी पर, कब, WHO के प्रयासों से, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इन्हें WHO की उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूरोपियन कंट्री है, याद रखिएगा स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।